अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में एक मुकर्ररा तारीख से पुराने डाटा को डिलीट यानी हजफ करने के तरीके को समझेंगे। सबसे पहले हमने ये तय करना है कि हमने डाटा किस तारीख तक का डिलीट करना है, ताकि उस तारीख से आगे का तमाम रिकॉर्ड और रिपोर्टिंग कैंडला सॉफ्टवेयर में महफूज रह सके और उस तारीख से पिछला डाटा ख़त्म हो जाए। सो अब इस काम को करने के लिए सबसे पहला कदम ये है कि हम तयशुदा तारीख पर मुकम्मल स्टॉक ऑडिट परफॉर्म करें। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमने 31 दिसंबर 2020 से पिछला रिकॉर्ड ख़त्म करना है। अगर तो इस तारीख पर ऑडिट परफॉर्म नहीं हुआ तो हम एक दफ़ा स्टॉक ऑडिट की स्क्रीन को ओपन करके 31 दिसंबर 2020 की स्टॉक ऑडिट डेट सेलेक्ट करके तमाम प्रोडक्ट्स को स्क्रीन पर लोड करके उनकी सिस्टम क्वांटिटी को कॉपी क्वांटिटी के बटन से फिजिकल क्वांटिटी के कॉलम में कॉपी करके इंप्लीमेंट ऑडिट करेंगे, ताकि हमें पहली जनवरी का प्रॉपर ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल हो सके। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में स्टॉक ऑडिट कैसे परफॉर्म किया जाता है, इसको तफसील से समझने के लिए आप हमारी स्टॉक ऑडिट की वीडियोस हमारे YouTube चैनल रिटेल टॉक पर देख सकते हैं। इसके बाद अगर हमने अपने सप्लायर्स और कस्टमर्स के कैंडला सॉफ्टवेयर में खाते यानी लेजर्स मेंटेन किए हुए हैं तो हमें उनकी भी क्लोजिंग्स दाखिल करना होंगी। सप्लायर्स की क्लोजिंग्स दाखिल करने के लिए हम परचेज में सप्लायर अकाउंट ओपनिंग की स्क्रीन को ओपन करेंगे और सप्लायर नेम के सेक्शन से बारी बारी मौजूदा सप्लायर्स को सेलेक्ट करके न्यू का बटन प्रेस करके नीचे ओपनिंग डेट में 31 दिसंबर 2020 सेलेक्ट करके सेव करेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम कस्टमर्स की क्लोजिंग्स के लिए शॉप एक्टिविटीज़ में कस्टमर अकाउंट ओपनिंग की स्क्रीन को ओपन करेंगे और बारी बारी कस्टमर सेलेक्ट करके न्यू के बटन को दबाकर यहां भी 31 दिसंबर 2020 ओपनिंग डेट देकर सेव करेंगे। इस तरह अब अगर 31 दिसंबर से पिछला रिकॉर्ड ख़त्म किया जाएगा तो हमारे पास सप्लायर्स और कस्टमर्स के लेजर्स का पहली जनवरी के हिसाब से ओपनिंग बैलेंस सिस्टम में मौजूद होगा। अब हम यूटिलिटीज़ में जनरल यूटिलिटीज़ पर जाकर डेटा डिलीशन यूटिलिटी की स्क्रीन को ओपन करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर हम सिंगल शॉप के केस में नॉन रेप्लिकेटेड की ऑप्शन सेलेक्ट करके नीचे सेलेक्टेड शॉप्स में से शॉप को सेलेक्ट करेंगे। अब टिल डेट के सेक्शन में हम 31 दिसंबर 2020 से अगली तारीख एंटर करेंगे यानी पहली जनवरी 2021। अब इस यूटिलिटी को पहली जनवरी से पीछे जो पहला स्टॉक ऑडिट मिलेगा ये उस ऑडिट से पीछे का डाटा डिलीट कर देगी। इस केस में 1 जनवरी से पहले इस यूटिलिटी को 31 दिसंबर पर ऑडिट मिलेगा। अब सबसे पहले हम डिलीट एसक्यूएल लॉग्स के बटन पर क्लिक करके लॉग्स डिलीट करेंगे। उसके बाद गेट ट्रांजैक्शंस के बटन पर क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास ग्रिड में उन ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड आ जाए जो हम सिलेक्टेड डेट से पीछे डिलीट करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिलेक्टेड डेट से पहले की सेल्स और परचेजेस का रिकॉर्ड भी डिलीट हो तो गेट ट्रांजैक्शंस को प्रेस करने से पहले इन दोनों चेक बॉक्सेस को चेक कर दें। अब डिलीट ट्रांजैक्शंस का बटन प्रेस करने पर ना सिर्फ सिलेक्टेड डेट से प्रीवियस डाटा, बल्कि अगर हमने सेल्स और परचेजेस को डिलीट करने की भी ऑप्शन चेक की हुई है तो वो भी डिलीट हो जाएंगी। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर में एक मुकर्ररा तारीख से पुराने डाटा को डाटा डिलीशन यूटिलिटी की मदद से डिलीट यानी हजफ करने के तरीके को समझा। कैंडला रिटेल सॉफ्टवेयर की
ट्यूटोरियल वीडियोस देखने का शुक्रिया।